ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक पर्सन को समझने के लिए क्योंकि हम ध्यान के द्वारा अपनी लाइफ में भी मेडिटेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या जान रहे हैं ध्यान कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक नया रियलिटी कुछ एक yeah. नया चेंज हो जाए मे बी हेल्थ चाहते हैं हम पैसा चाहते हैं अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं एक सुकून चाहते हैं लेकिन केवल एक जो आधा घंटा एक घंटे के ध्यान को इंटीग्रेट करके हम चाहते हैं कि बाकी जो ट्वेंटी थ्री आवर्स हमारी जिंदगी है जो मैं रियलिटी चाहता हूँ वो हो जाना चाहिए इनफैक्ट ना केवल जो लोग ध्यान करते हैं बट आज के यंगस्टर्स की माइंडसेट में एक्चुअली इन्वायरमेंट भी ऐसे बन गया है जहाँ पर एक स्टार्टअप कल्चर एक इन्फ्लुएंसर कल्चर बन गया है वेयर अ सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन सेंस ऑफ अकम्प्लेशमेंट बहुत आसानी से हम अचीव कर सकते हैं और उस सोशल मीडिया की दुनिया में जो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और स्टारी सारी दिखता है उसको अचीव करने के लिए जो यंगस्टर्स इस भागदौड़ की ज़िंदगी में और तेज़ी रफ्तार से भागना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही है बहुत सारे सेल्फ़ लव और सेल्फ़ टॉक और यू नो मैनिफेस्टेशन के वीडियोस पकड़ कर कि मैं अपने रियलिटी को जैसा चाहता हूँ वैसे बना सकता हूँ ये वीडियोज़ देख एक्चुअली जो कोर क्रक्स है जो अगर आप स्पिरिचुअल हो ना हो जो हमें इनकॉर्पोरेट करना है उन टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपने जैसे कहा नाइन्टी फाइव परसेंट हमारा लाइफ ऑटो मोड पर ही चल रहा है अगर हम इस 95% परसेंट के प्रति अवेयर नहीं हो तो वो जो 5% परसेंट जो छोटा सा कॉन्शियस माइंड अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में अपना एक अच्छी दुनिया बनाना चाहता है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकें इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट